राजस्थान के सीकर की बात करते हैं, जहां खाटू श्याम मेले में भक्तों का जबरदस्त तांडा लगा हुआ है। आपको बता दें कि भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जगह जगह कैंप लगाए गए। राजस्थान के सीकर में बाबा खाटू श्याम का मेला चल रहा है, जिसमें काफी भक्तगण आ रहे हैं। मेले को लेकर जगह जगह खाने के कैंप लगाए गए, जिसमें ग्रामीणों की ओर से भंडारे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब से भी पैदल यात्री खंडेला होते हुए बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भक्तों के लिए जगह जगह जलपान और दवाइयों की व्यवस्था की गई, ताकि रास्ते में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। हर साल की भांति इस साल भी लाखों लोग बाबा खाटू श्याम के दर्शन करेंगे। पूरे देश भर में बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए पैदल यात्री आते हैं। खंडेला पहुंचे, खंडेला के अंदर कुछ लोगों ने बाबा श्याम के लिए हर साल भंडारे का आयोजन करते हैं। कितना कि इन लोगों का जो इन्वेस्ट होता है और इनके प्रति बाबा के प्रति इनकी कैसी आस्था है, इनके बारे में इनसे जानना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। हरिशंकर पारी। पारी साहब, ये जो भंडारा कर रहे हो आप, हर साल लगाते हो? हर साल तीन साल से लगा, तीसरा है। तीसरी साल है, तीसरी साल है। ये आप पर्सनल लगाते हो या नहीं? मेडिकल और जैसे आपने जूस की व्यवस्था कर रखी है, जलपान वो सब इसमें जो कर्मचारी इनको पेमेंट देते हो? कर्मचारी नहीं, हम लोग सब सेवा करते हैं। कोई कर्मचारी नहीं है, सेवा के रूप में सब सेवा खुद ही करते हैं। कर्मेटी भाई को सेवा समिति है, उसी की एक संस्था है कर्मेटी भाई श्याम सेवा समिति। ये समिति है जो गाँवों के लिए काम करती है, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाना, जो लंगड़ी लूली गए सहायक आए हैं उनके लिए हम चारे की व्यवस्था करना, और उसके बाद में हमारा ऐसे हम भक्तों की सेवा करना मेन उद्देश्य है, हमारा गाँवों की सेवा करना। वही एक गायों की सेवा नहीं कर रहे कर्मेटी भाई, कर्मेटी भाई गौ सेवा समिति है, उसके तत्वाधान में हम इस श्याम सेवा समिति का कार्य कर रहे हैं और कंटिन्यू तीन साल से कर रहे हैं, और इसी में किसी प्रकार का हम शर्म नहीं देते हैं, सब खुद मिलजुल के ही काम करते हैं। गौरतलब है कि खाटू मेले को लेकर अब की बार प्रशासन काफी सख्त दिखाई दे रहा है। हर मेले में व्यवस्थाओं को बेपट्टी करने वाली वीआईपी पास व्यवस्था को भी इस बार प्रशासन ने खत्म कर दिया। वहीं भक्तों को मेले की व्यवस्थाओं की जानकारी देने के लिए टोल बूथों पर पैम्पलेट भी दिए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार मेले के दौरान कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेले में चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जा रही है। सीकर से महेश कुमार की रिपोर्ट।